अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांतिगुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ चैप्टर है ये आपका, थर्ड क्लास का, फन विद लोगो। इसमें आज देखिए हम कमांड के बारे में पढ़ेंगे, लोगो कमांड के बारे में, जो कि आपकी चार प्रकार की होती है, फॉरवर्ड, बैक, राइट और लेफ्ट। ठीक है, जो मेन कमांड्स होती हैं वो ये होती हैं, बाकी हम और कमांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, When we first start logo, the turtle is always in the center of the main screen. Main screen के center में रहता है जब भी हम logo start करते हैं। This is the turtle home position. ये turtle की home position होती है। We can move the turtle from the home position by giving some commands. हम जो है turtle को move कर सकते हैं home position से, उसे command देके। तो let us study some of the commands widely used in MSW logo. तो चलिए हम study करते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं कुछ commands के बारे में ब्रॉडली रूप से MSW लोगों में जो यूज की जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट फर्स्ट कमांड, दैट इज फॉरवर्ड कमांड। देखिए ये जो आपकी कमांड है ये फॉरवर्ड कमांड है। द फॉरवर्ड कमांड्स मेक्स द टर्टल मूव फॉरवर्डेड बाय द गिवन नंबर्स ऑफ द स्टेप। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड इज FD। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए जिस पे सर्कल लगाया जा रहा है, ये कौन सी है, FD कमांड। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। अब देखिए, टाइप फॉरवर्ड और FD। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइप करेंगे फॉरवर्ड या FD टाइप करें आप, प्रेस द स्पेस बार की, फिर उसके बाद से आप स्पेस बार की जो है वो प्रेस करें। टाइप इन द नंबर ऑफ स्टेप, फिर आप नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो आप टाइप करें, एंड प्रेस द एंटर की, उसके बाद से आप एंटर की प्रेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, द कमांड्स FD 50 विल मूव द टर्टल फॉरवर्डेड बाय 50 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है बैक कमांड। बैक कमांड देखिए क्या होता है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है ये क्या होती है आपकी, BK। ठीक है, ये देखिए ये है आपकी बैक कमांड। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई आपकी, ये BK। तो टाइप BK, और द बैक कमांड मूव्स द टर्टल बैकवर्ड बाय द गिवन नंबर्स ऑफ स्टेप। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैक इज BK। टाइप बैक और BK, सबसे पहले आप बैक लिखें, टाइप करें, और या फिर BK लिखें। प्रेस द स्पेस बार की, उसके बाद से स्पेस बार जो की है वो प्रेस करें। टाइप इन द नंबर ऑफ स्टेप, और फिर उसके बाद से नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो टाइप करें। प्रेस द एंटर की, उसके बाद से आप एंटर की प्रेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, द कमांड्स BK 50 विल मूव द टर्टल बैक बाय द 50 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल। तो 50 स्टेप्स जो हैं उसी डायरेक्शन में इट्स टेल, एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। द टर्टल डज नॉट टर्न इट्स हेड, जो टर्टल है वो टर्न नहीं होता इट्स हेड वाइल मूविंग बैक। अब देखिए नेक्स्ट है आपका राइट कमांड। राइट कमांड देखिए क्या होता है, द राइट कमांड्स टर्न द टर्टल हेड टूवर्ड्स द राइट साइड। जो टर्टल का जो हेड होता है वो मतलब राइट साइड की तरफ जो है वो टर्न होता है। इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है ना ऐसे। इट नीड्स द नंबर ऑफ डिग्री टू नो द एंगल ऑफ टर्न। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइट इज RT। जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना राइट कमांड की, वो क्या होती है हमारी, RT। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, द कमांड RT 90 विल टर्न द टर्टल टू द राइट बाय द 90 डिग्री। राइट से वो 90 डिग्री की तरफ वो क्या होता है, टर्न होता है। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे बुक में आपकी। ठीक है, अब देखिए क्या है, लास्ट है आपका LT कमांड। ठीक है, LT कमांड देखिए क्या होता है, द लेफ्ट कमांड टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। वो जो हेड होता है वो लेफ्ट साइड में टर्न होता है। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बाय द गिविंग एंगल। द शॉर्ट फॉर्म इज लेफ्ट इज LT। जो शॉर्ट फॉर्म होती है लेफ्ट कमांड की वो क्या होती है, LT होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, LT 90 विल टर्न द टर्टल। ये जो 90 है वो विल टर्न, ये टर्न होता है टर्टल टू द लेफ्ट बाय 90 डिग्री की साइड में वो टर्न होता है। द फिगर गिवन ऑन द राइट साइड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कमांड्स। जो फिगर्स हैं वो जो दिए हुए हैं ऑन द राइट साइड, राइट साइड में, वो हमारी मदद करते हैं अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने के लिए, द कमांड्स, उस कमांड्स को, दैट विल हेल्प अस टू रोटेट द टर्टल, जो कि रोटेट करती हैं टर्टल्स को। ठीक है,
इफ वी गिव अ कमांड्स लाइक, अगर हम कमांड देते हैं जैसे RT 360, तो वी विल नॉट एक्चुअली सी द टर्टल रोटेट, तो हम देखेंगे कि जो टर्टल है वो रोटेट सचमुच नहीं हो रहा है. तो दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द टर्टल वुड हैव कम्प्लीट वन टर्न, जो कम्प्लीट जो एक टर्न लेता है एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है. ठीक है, तो बच्चों देखिए, आज हमने पढ़ा फॉरवर्ड कमांड, बैक कमांड के बारे में आज हमने पढ़ा. ठीक है, और जो मेन आपकी जो सारी कमांड्स होती है ना, बेसिक कमांड्स बच्चों, वो देखिए आपकी होती हैं FD कमांड्स होती हैं, जो हमने पढ़ लिया, RT कमांड होती हैं, LT, CS, CT, HT, PU और PD और PE. ठीक है, तो आज हमने कहाँ तक पढ़ा है, ये लेफ्ट कमांड तक हमने पढ़ा है. ठीक है, और आगे वाली जो कमांड्स है वो बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए आज के लिए आपका होमवर्क है, जितना भी आपको करवाया गया है, सबसे पहले तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. ठीक है, ये वाली FD कमांड, इनकी फुल फॉर्म, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं. ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.